रामायण में लिखा है तुलसीदास ने, जाने ताहे देहो जनाई। अर्जुन जानना चाहता था तो कृष्ण भगवान ने सब गीता सुना दी। अर्जुन के और भी चार भाई थे, वो जानना नहीं चाहते थे, तो भगवान ने ये फिक्र नहीं की, ये धर्मराज है, धर्मराज होगा अपने घर का, पर तू मेरे पास सीखने नहीं आया है तो मैं तुझे सिखा सकता नहीं। जो अर्जुन सीखने आया तो भगवान ने सारा ज्ञान अर्जुन को सिखाया। भगवान ने पक्षपात नहीं किया, पर जो सीखना चाहता है ना, ज्ञान तो उसे ही मिलेगा ना। अच्छा बताओ, नल के नीचे उल्टी बाल्टी रख दो, नल चालू कर दो, बाल्टी कितनी देर में भरेगी? अरे घंटा, दो घंटा, दस घंटा, कुछ तो बोलो। अच्छा मटका, मटके को उल्टा रख दो, नल चला दो, कितने साल में भरेगा? हाँ, तो भरने के लिए क्या करना चाहिए वो सिखाओ मुझे, जिससे मैं सुनाऊं कथा में। है सद्धिताम सर्व योगे न पात्रम, पात्र को सीधा कर दो, और जब पात्र सीधा हो जाएगा तो पानी पूरा का पूरा पात्र में ठहर जाएगा, तुम्हारा पात्र भर जाएगा। इसीलिए अपने उल्टे सीधे जीवन को समृद्ध कर लो, और उसे एक दिशा दो, एक गाइडेंस करो उसका, एक अवलंबन करो, उसे सीधा करो। जीवन कैसे सीधा होता है, जीवन कैसे भरेगा, जीवन में तत्व कैसे आएगा, जीवन में फल कहां से आएंगे, जीवन में समृद्धि कहां से आएगी? उल्टे काम कर रहे हो और फल सीधा चाहते हो, कैसे होगा? देखिए गोकुल में आनंद ही आनंद हो रहा है, मथुरा में दुख ही दुख है, सब रो रहे परेशान। मथुरा का राजा बीत गया भूखा प्यासा, न रात भर नींद है न दिन भर चैन है कंस को। और मथुरा के बाद में जब देखो गोकुल में, सारा गोकुल उत्सव के मारे, आनंद के मारे, प्रसन्नता के मारे प्रफुल्लित हो रहा है। कारण सब एक दूसरे के दुख को समझते हैं, ये पड़ोसी कैसे सुखी हो, ये भावना है गोकुल की। यशोदा के घर में पुत्र आना चाहिए, ऐसा गोकुल की हर एक नारी चाहती है। आप बताओ, अच्छा इधर हाथ नहीं करता, गलत हो गया, इधर हाथ करता, आप बताइए, आप ऐसा चाहती हैं कि हर हर नारी सुखी रहे? आए? अच्छा अपने काले काले बालों की सौगंध खाओ, आप जिठानी को सुखी चाहती हैं, देवरानी को? हा, सवाल ही उठता नहीं है। मेरा गाम हो, मेरा दाम हो, मेरा नाम हो, सब कुछ मेरा हो, जिठानी भाड़ में जाए। औरतों के अंदर तो इतनी अज्ञानता है कभी कभी कि वो देवरानी के बच्चे को सुंदर भी देखना नहीं चाहती, उसका ही सुंदर होना चाहिए, देवरानी का तो काला कलूटा होना चाहिए, मेरा राजकुमार होना चाहिए। पर गोकुल की नारियां ऐसी नहीं है, अनपढ़ तो है पर उनकी बुद्धि बहुत पढ़ी लिखी है। क्यों? मेधा मेधामृतम, मेधा मेधामृतम, मृतम मेधाम मेधामृतम। गोकुल की नारियां कभी स्कूल नहीं गई, पर जन्म से ही, बचपन से ही, जब से उंगली पकड़कर चलना सीखी तब से ही वो गाय के साथ खेलती है और गाय का दूध डालती है, गाय का दूध पीती है, गाय का घी खाती है और गाय के साथ ही अपने जीवन को बड़ा करती है, उनका गोबर डालती, उनकी सफाई करती, उनको चारा डालती। इसीलिए बड़े बड़े पढ़े लिखों से ज्यादा बुद्धि अच्छी गाँव की गोपियों की। आपकी बुद्धि को बिगड़ने का कारण क्या है बताओ? वेदाह अमृतम, जिसका दूध पीकर गीता पढ़ने लग गए भगवान कन्हैया उसका नाम है गैया। जिसका दूध पीकर भगवान राम अल्प आयु में विद्यावान बन गए, विद्यावान, कामधेनु का दूध पिया राम ने तो विद्या फटाफट राम जी के पास आ गई। क्यों? कहां बसती है विद्या? विद्या कहां बसती है? विद्या कहां बसती है पता? अरे विद्या तो वो बैठी, हमारी शिष्य का नाम है विद्या। देख ले हरिद्वार में आना सार्थक हो गया छोरी तेरा, क्योंकि व्यासपीठ से भागवत के साथ तेरे नाम का उच्चारण हो गया है। तद लक्षणम भागवतम योगः,
अरे भाई बहनों, केवल भागवत में आने से लक्षण ये नहीं कि तुम्हारा नाम लिया जा रहा है, भागवत में आने से आदमी का नाम भागवत में रचित हो जाता है। तोता भागवत में आ गया तो भागवत में तोते की रचना आ गई और सुखदेव बन करके भागवत सुनाने लग गया। इस जन्म में आप भले ही अच्छे मत बनो, पर ये भागवत जो सुन रहे हो तुम 15-20 साल से मेरे मुंह से, ये भागवत का फल तुम्हें अगले शरीर में मिलेगा। ब्राह्मण कुल में जन्म होगा, ब्राह्मण बुद्धि में भागवत बुद्धि बनेगी, तुम्हारी बुद्धि जन्म से ही भोग से विरक्त हो जाएगी, क्योंकि संस्कार और विद्या कभी नष्ट होती नहीं है। इसलिए सुनते रहो भागवत, प्रचार करते रहो प्रवचन का, थोड़ा थोड़ा, कम से कम इंद्रदेव की वजह से मांस खाना तो बंद हो गया ना तुम्हारा, ये कम फायदा है क्या है? तमाकू खाना तो बंद करवा दिया, शराब पीना बंद करवा दिया, ये बहुत हो गया। अब आगे देख लेंगे कुछ बचा कुछ है। किसी ने तो यहां तक कहा बुराई समाप्त हो गई, मान लो मुक्ति हो गई जीवन की। आदमी के जीवन में जब द्वंद होता है तभी उसे प्रयत्न करना पड़ता है मुक्ति का, और आदमी जब निर्द्वंद हो जाता है तो उसे मुक्ति का प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वो तो स्वयं मुक्त ही है। अच्छा बताओ, तुम्हारी मुक्ति में बाधा क्या है? तुम्हारी मुक्ति में बाधा क्या है? कोई बाधा नहीं है, जहां से आए हो वो तत्व वहीं जाएगा, बाधा कुछ नहीं है। पर क्लेश है तुम्हारे साथ में, मन का, चित्त का, बुद्धि का, इंद्रियों का, ये जो क्लेश है इस क्लेश के लिए ही मैं भागवत सुना रहा। विहंग अंगम न योग दर्शनम, मैंने दो पक्ष अलग अलग कर दिए, एक बुराई का पक्ष, एक अच्छाई का पक्ष। जहां बुराई थी भगवान वहां पैदा हुए, पर वहां टिके नहीं भगवान, अल्प समय में परमात्मा वहां से लपचत हो गए। और भगवान कहां जाकर टिक गए? जहां पर भगवान को सारा जगत सारा गांव एक रूप में चाहता है, वो गोकुल है। गोकुल में आनंद की वर्षा हुई, सारे देवता गोकुल में भगवान के दर्शन के लिए पधारे। बोलिए, अगर मैं इंद्रदेव अगर इस हॉल में नहीं आता तो ये साधु आते के इस हॉल में क्यों आते? क्या पड़ा है, किसी के पास समय कहां है? पर एक के साथ में कितने देवताओं का दर्शन तुम्हें हो रहा है, है? सर्वदेवम कृत्वा अहम। और एक और सुन लो, अगर ये भागवत और इंद्रदेव नहीं होता तो तुम भी एक तरफ मुंह करके नहीं बैठते 5 घंटे, क्योंकि तुम तो आधा घंटे में 72 प्रकार का मुंह कर लेते। एकाग्रते न सर्वे, एकाग्रते कैसे बैठे हो? अच्छा बताओ, तुम्हारे घर में 2 बच्चे हैं, मियां और बीवी, 4 हो गए, 4 आदमी कभी एक तरफ मुंह करके बैठे हो? चलो घर में बताओ, यहां इतने आदमी है तब भी सब एक लाइन में सही, और घर में 4 है फिर भी एक दिशा में नहीं बैठते, कारण बताओ? कारण क्या है? कारण यह है, भगवान वहां भी है, भगवान यहां भी है, पर यहां प्रकट हो गया है, वहां अप्रकट है, वहां अपरोक्ष है और यहां परोक्ष है। चिंता मत करो, आपने टीवी में वो देखा है, जैसे टीवी में तूफान आता है, टीवी में बाढ़ आती है, पत्रकार लोग बताते आसाम में बाढ़ आ गई और ये गांव बह गया, घर बह गया। हम लोग देखते न्यूज में पानी हर करके जा रहा है, गांव के गांव बह जा रहे हैं, गाड़ियां बह रही हैं, पर टीवी में जो बाढ़ आती है उससे कोई भी गांव बह जाए पर हमारा घर बहने वाला नहीं है। कारण? कारण यह है कि वो बाढ़ अपरोक्ष है, वो परोक्ष नहीं है। जब तक परमात्मा परोक्ष नहीं होगा तब तक उसका असर, प्रभाव, गुणशीलता तुम्हें प्राप्त होने वाली नहीं। अच्छा बताओ, टीवी में आंधी आती, आंधी, पेड़ हिल रहे, टूट रहे, और हम टीवी के 1.5 फुट पे टीवी देख रहे पर हमें हवा नहीं लग रही है, और टीवी में आंधी आ रही है, आंधी, पर टीवी की हवा हमें नहीं लगती। बस सही है क्या गलत है ये तो बोलो। सही। इसीलिए सारे काम चित्र से नहीं चलेंगे। टीवी में चित्र की हवा दौड़ रही है,
है? सारे काम चित्र नहीं चलेंगे ना, है? सारे काम चित्र से नहीं चलेंगे। चित्र तो नर्सरी है, केजी है, कक्षा एक है, पर तुम तो बड़े हो गए बहुत, बीए में, एमए में कितनी सारी पढ़ाई हो गई, आज भी चित्र में लपेट पड़े हो, इसलिए थोड़े थोड़े ऊपर उठो, चित्र को साथ लेके चलो और चित्र से चरित्र का निर्माण करो। अरे व्यायामशाला में हनुमान की तस्वीर क्यों लगाते? व्यायामशाला में बताओ हनुमान की तस्वीर क्यों लगाते? बोलो ना, बताओ ना। तुमने कभी नाई की दुकान पे हनुमान की तस्वीर देखी? कि नाई की दुकान में हनुमान ही हनुमान लग रहे हो? ना 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 ना। नाई की दुकान में क्या मिलेगा बताओ? नाई की दुकान में एक ही कैलेंडर में 20-25 फोटो रहते, कोई ऐसा कटिंग, कोई वैसा कटिंग, कोई टेढ़ा कटिंग, कोई लंबा कटिंग। व्यायामशाला में कौन सी तस्वीर है बे? हनुमान की। इसका मतलब ये नहीं है कि हनुमान तुम्हें शक्ति दे रहा है, हनुमान की जो भुजाएं हैं, जो छाती है, जो अवयव है, जो अंग हैं, उन अंगों को देख करके ब्रह्मचारी के अंदर जोश आता है, बार बार देखता है और वो अपने हाथ को देखता है, मैं तो अभी पतला हूं, हनुमान जी थोड़े और पतला हूं, हनुमान जी तो फिर क्या, वो दस दंड और बढ़ाता है। एक दिन हनुमान को देखते 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 जैसे एक लव्य ने मूर्ति को देखकर अभ्यास करते करते अर्जुन के समान वीरता को प्राप्त कर लिया, ऐसे हनुमान को देखते देखते व्यायाम करते करते हम एक दिन बहुत बलवान हो जाते हैं शरीर के स्वास्थ्य से लेकर के। ऐसे ही परमात्मा के चित्र को देखते देखते साधना करो, अभ्यास करो, संध्या करो, स्तुति करो, योग करो, ध्यान करो और उसी से तुम बलवान हो जाओगे, भक्ति बढ़ जाएगी, कृति बढ़ जाएगी।